Hello and welcome to this special session of Criminal Procedure Court. और आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल का सेकंड लेक्चर और जिसमें मैं क्या करवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। आज का टॉपिक है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय अ मजिस्ट्रेट एंड व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। यानी कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चलान पेश किया है तब ट्रायल का प्रोसेस क्या होगा और उस केस में जो कि है वारंट केस। अब मैं इस पर आपको जानकारी दूंगा मगर इससे पहले मैं भूमिका से शुरू करूंगा और मैं डिटेल में बताऊंगा ट्रायल के चैप्टर के बारे में। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। ट्रायल, देखिए जी, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। इस कारण से हमें पांच प्रकार के ट्रायल प्रोसीजर बनाने पड़े। कुछ बुक्स में आपको इसका यह भी मिलेगा कि देयर आर 3 टाइप्स, 1, 2 और 3 टाइप्स, लेकिन इसको बाइफर्केट करके देखा जाए तो टोटल 5 प्रकार के ट्रायल प्रोसेस बन जाते हैं। जैसे कि ट्रायल प्रोसीजर्स 5 तरह के बन जाते हैं। जैसे सबसे पहला है ट्रायल ऑफ अ वारंट केस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, सेकंड मेथड जो है, मैं यहाँ कलर चेंज करके बताता हूँ, वो है ट्रायल ऑफ अ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है, ट्रायल ऑफ अ वारंट केस बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ये हो गया थर्ड मेथड, ठीक है जी। रेड वाला था सेकंड मेथड और फिर आता है फोर्थ मेथड। जो चौथा तरीका है वो कौन सा है, वो है ट्रायल ऑफ अ समन केस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम हो बाय अ मजिस्ट्रेट। और पांचवा और आखिरी जो है वो कौन सा है, वो देखिए, वो है समरी ट्रायल। वो केस जो छुटपुट केस है पर बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें समरी मैनर में रिकॉर्ड कीपिंग होती है। समझ में आया जी? तो ये 5 प्रकार के ट्रायल प्रोसेसेस होते हैं और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। ज्वाइन करो, लिख भेजो, नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, ये आपका आज का टॉपिक है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। कि एक पुलिस रिपोर्ट पर जो केस चालू हुआ है, यानी कि जब चलान पेश किया गया कोर्ट में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है जी। समझिए, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 238 से 243। अब जब हम डायग्राम में देखते हैं तो इसको कैसे देखते हैं कि ये 2 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज। इनका जो फर्स्ट फेस है, दोनों का प्रोसीजर अलग दिया हुआ है। 238 से 243 ये है, ठीक है, और 244 से 247 जो है वो ये है, मगर कंक्लूजन का मेथड दोनों का सेम है। क्लियर? ऐसा क्यों है, क्यों ये 2 अलग-अलग सिस्टम्स बनाए गए? क्योंकि जो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट होता है उसमें पहले एक गवर्नमेंट एजेंसी अपना दिमाग लगा चुकी है, अपने एफर्ट्स पुट इन कर चुकी है और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर चुकी है। समझ में आया? लेकिन जो केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट होगा, वहां पर अभी तक किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है जी। तो पहली बार कोर्ट में ही सभी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसमें ऑडी आल्टरम पार्टम, नोबडी शैल बी पनिश्ड अनहर्ड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए डिटेल्ड प्रोसेस होना जरूरी है।
और आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेरट क्या कहता है। ये देखो जी, यहां से शुरू हो जाता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, और इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहले 207 की कंप्लायंस होनी जरूरत है। क्या कि जब एक केस चालू करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही अवेलेबल करवाने होंगे। किसको अवेलेबल कराने होंगे? एक्यूज्ड को, ताकि एक्यूज्ड को प्रॉपरली समझ में आए कि उसके खिलाफ जो केस बनाया गया है वो केस है क्या। ओके, कि जब कोई वारंट केस है, इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट है, तो एक्यूज्ड जब भी अपीयर होगा कोर्ट में, या फिर व्हेन ही इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, तो मजिस्ट्रेट पहले अपने आप को इस बात को लेकर सेटिस्फाई करेगा कि जो 207 के प्रोविजंस हैं, दे हैव बीन फुली कंप्लाइड विद। ओके, अब हम एक बार इसको रीड करते हैं बेरट में से। करणदीप, आप रीड करो 238 को, सेक्शन 238 रीड करके सुनाओ। हाँ जी, रीड कीजिए इसको। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? चलो मैं इसको डायग्राम में से करता हूँ फिर। हेलो हेलो, आपने सुना नहीं क्या? हेलो, आपने सुन ली मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैंने कहा था 238 को रीड कीजिए। हेलो, चलो लीव मैं समझा तो चुका हूँ, अब डायग्राम देखिए इसका। ठीक है जी, ये देखिए, जब भी ट्रायल वारंट केस के हिसाब से चालू होगा तो पहला स्टेप क्या होगा? ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है जी, सबसे पहले यहां पर वर्ड होगा कंप्लायंस। कंप्लायंस विद सेक्शन 207। अब 207 किससे डील करता है? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को मिल गए हैं और अब वो समझ गया है केस उसके खिलाफ क्या है। और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो कंसीडर करेगा, रीड करेगा चलान को। ठीक है, चलान क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में दी होती है? 173। यानी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के बाद पुलिस क्या करती है? चलान पेश करती है कोर्ट में कि हमारे हिसाब से इस आदमी ने मर्डर किया है, इस आदमी ने ये वाला ऑफेंस किया है। और भी इसके साथ कई डॉक्यूमेंट्स पुलिस कोर्ट में देती है, जैसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जैसे CFSL लेबोरेटरी की रिपोर्ट, जैसे कि लाश का पंचनामा, जैसे 161 के बयान, यानी गवाहों के बयान जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए थे। इन सब चीजों को देखेगा कौन? मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसको यहां से देखते हैं। ये देखो, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? कंसीडर करेगा पुलिस रिपोर्ट को और उन सब डॉक्यूमेंट्स को जो कि सेक्शन 173 के साथ, 173 की रिपोर्ट के साथ दिए गए थे मजिस्ट्रेट को। ठीक है, और एंड एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। और फिर उसके बाद वो क्या देगा? एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा एक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूशन को। वो चाहे तो एक्यूज्ड को भी
एग्जामिन कर सकता है, पर ये चीज ऑप्शनल होती है. क्लियर? ही मे और मे नॉट एग्जामिन द, दिस इज ऑप्शनल, बट ही हैज टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू बोथ एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन. ये बात यहां लिखी है, ये देखिए. ठीक है जी. And making such examination, if any, of the accused as the magistrate thinks necessary. अगर magistrate को जरूरी लगेगा तो वो क्या करेगा, examine the accused. ठीक है, अगर उसे जरूरत लगेगी तो, नहीं तो नहीं. और आगे चलते हैं. Framing of charge. अब charges frame करने की बारी आ रही है. पहली बात तो ये कि अगर उसको लगता है कि ग्राउंडलेस बातें हैं, समझ में आया कि कोई भी, ये देखो ग्राउंडलेस, तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा एक्यूज्ड को. ठीक है जी. इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस देन ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड ही शुड रिकॉर्ड क्यों उसने डिस्चार्ज किया. अब डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए. ठीक है, सबसे पहले वो देखेगा क्या एक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए. फिर उसके बाद चलान पढ़ेगा, चलान के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ेगा. अगर ठीक लगेगा तो एक्यूज को भी एग्जामिन करेगा और फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा. अब दो बातें होंगी, या तो उसको लगेगा चार्जेस ग्राउंडलेस हैं, फिर दो बातें होंगी, शैल रिकॉर्ड द रीजंस एंड शैल डिस्चार्ज. क्लियर? अगर ग्राउंडलेस यानी चार्ज बनता ही नहीं है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा अगर कोर्ट की प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन बनती है, यानी कि वो वाली कोर्ट कोर्ट है उस केस के लिए, तो शैल फ्रेम चार्जेस अंडर 240 क्लॉज 1. जब भी चार्ज फ्रेम होंगे, हमने कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में भी रीड किया था, चार्जेस को पढ़ के सुनाया जाएगा, चार्जेस को रीड ओवर करेंगे, चार्जेस को एक्सप्लेन करेंगे. और जब भी चार्जेस फ्रेम होंगे तो एक बार एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा एक्यूज्ड को. वुड यू लाइक टू प्लीड गिल्टी, क्या तुम मानते हो कि तुम गुनाहगार हो. अगर तो वो गिल्टी प्लीड करता है तब भी मे कन्विक्ट, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है. और शैल रिकॉर्ड द रीजंस, अपने रीजन रिकॉर्ड करेगा, अपनी प्ली जो उसने प्लीड किया था, जो उसने माना था, हाँ मैं मानता हूं मैंने अपराध किया है, उसको रिकॉर्ड पर लेके आएगा. ठीक है, मजिस्ट्रेट शैल कन्विक्ट नहीं है यहाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट. अगर उसे लगे कि किसी प्रेशर में आकर एक्यूज्ड जो है वो किसी और का गुनाह अपने ऊपर ले रहा है, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, कहेगा I would like to go for a trial, I will not order the conviction. जरूरी नहीं है accused के ये कह देने पे कि ये अपराध मैंने किया उस सजा मिलेगी. हो सकता है उसको क्या कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, उसे convict ना करके उसे कहा जाए हम तो इस पर केस ही चलाएं, discharge कर देते. ठीक है, discharge तब करते हैं बच्चे जब groundless हो. ठीक है सर. कभी भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद डिस्चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना. दैट इज बिफोर. जी 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 सर. अगर कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, ठीक है, तो दो बातें होंगी, या तो इशू ऑफ प्रोसेस होगा या कंप्लेंट डिसमिस होगी. लेकिन एक बार आईओपी हो गया जो कि अंडर सेक्शन 204 है, तब कभी भी डिसमिसल नहीं हो सकता. नो डिसमिसल आफ्टर issue of process. और issue of process के बाद फिर होता है framing of charge. इसके बाद no discharge. मैं और अच्छे से यहाँ diagram बना देता हूँ. Let me make one more diagram more clearly ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके. ठीक है जी, ये देखो. Hello sir. आप पर भी कोई complaint आएगी तो दो बातें होंगी, या तो अंडर सेक्शन 203 में डिसमिस हो जाएगी कंप्लेंट, या फिर अंडर सेक्शन 204 में
इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब या तो समन इश्यू हो जाएंगे या वारंट इश्यू हो जाएंगे। पर एक बार अगर इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया, नो डिसमिसल, अब इसके बाद कंप्लेंट डिसमिस नहीं हो सकती। और इसके बाद तो क्या होगा, दो ही बातें होंगी, या तो चार्ज फ्रेम होगा, या तो चार्ज फ्रेम होगा, या फिर चार्ज ग्राउंडलेस माना जाएगा। अगर चार्ज ग्राउंडलेस है कि कोई ग्राउंड से नहीं बनते, तो सीधा क्या कर देंगे, डिस्चार्ज। और अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद नो डिस्चार्ज, कभी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद फिर दो ही चीजें होंगी, या तो होगा एक्विटल या होगा कन्विक्शन। अगर बीच में कोई और काम हो गया, जैसे कि बीच में कई बार केस खत्म हो जाता है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस को विदड्रॉ कर लिया, तो उसे भी एक्विटल मान के चलेंगे। अगर मान लो कंपाउंडिंग हो गई, यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब भी उसको एक्विटल ही मान के चलेंगे, क्योंकि पर चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन है सर आपसे, होता और चार्ज फ्रेमिंग के बाद कभी डिस्चार्ज नहीं होता, ये याद रहेगा। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो जैसे ड्यूरिंग द ट्रायल अगर मैजिस्ट्रेट केम टू नो दैट द चार्जेस फ्रेम्ड ऑन अ पर्सन दे आर वेरी मच फॉल्स, तो विद इन दैट ट्रायल वो ड्यूरिंग द ट्रायल उसको वापस बंद कर सकता है। सीधी सी बात है, हमारा एक है सेक्शन 215, मैं इसमें दिखाई देता हूँ आपको। ओके, 215 एरर इन चार्ज, इफेक्ट ऑफ एरर इन चार्ज। क्योंकि मजिस्ट्रेट भी तो इंसान है, गलती हो सकती है। अगर कोई एरर हो गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है। नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज, यानी चार्ज से भी गलती होगी या कोई ओमिशन हो गया, ठीक है, टू स्टेट द ऑफेंस ऑफ दोस पर्टिकुलर शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल, तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। बस जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड नहीं होना चाहिए, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, समझ में आया। और जब मर्जी फ्रेश चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, नए चार्जेस बीच में जोड़े जा सकते हैं, और पुराने चार्जेस इन बिटवीन द केस ड्रॉप भी किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 216। डिसमिसल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। जवाब मिल गया? हाँ जी सर। कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज, एक लगे हुए चार्ज को ड्रॉप भी किया जा सकता है, और एक चार्ज को, ठीक है, जो नहीं लगाया गया था उसको बाद में लगाया भी जा सकता है। एनी क्वेश्चन? सर ये सुओ मोटो करेगी कोर्ट या बाय द एप्लीकेशन, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पीपी? दोनों प्रावधान है, दोनों पावर्स है मजिस्ट्रेट के पास, इधर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी, और बोथ। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी मैंने बताया कि अगर तो ग्राउंडलेस हैं चार्जेस तो डिस्चार्ज कर देंगे और रिकॉर्ड पे लेंगे रीजंस, और अगर चार्जेस बनते हैं तो चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे। ओके, और जब भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा, हमेशा याद रखना कि उस चार्ज के बारे में जानकारी दी जाएगी, रेड ओवर एंड एक्सप्लेन्ड होगा, रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड, और साथ ही करेंगे वुड यू लाइक टू प्लीड गिल्टी, और अगर उसे गिल्टी प्लीड कर लिया, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली और मे कन्विक्ट, कन्विक्ट में मे लगा हुआ है और रिकॉर्ड द प्ली में शैल लगा हुआ, ये तो करना ही करना है। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे। जी सर, वो भी मैं बता चुका हूं कि अगर लगे, ठीक है, कि accused has committed an offence, जो कि tribal under this chapter है, और magistrate competent है, मैंने बताया था ना कि jurisdiction है, competency है, तो वो क्या करेगा, shall frame the charge in writing, ठीक है, against the accused। अब मैं फिर से डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूं, देखो जी, सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या
मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या क्या इसको भी लिख भेज देना कि क्या 207 का कंप्लायंस हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गया अक्यूज्ड को। अगर डॉक्यूमेंट्स मिल गया तो खुद भी देखेगा चलान को और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर अगर ठीक लगेगा तो अक्यूज्ड को एग्जामिन करेगा और फिर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड करेगा चार्ज ग्राउंडलेस है कि नहीं। अगर तो चार्जेस ग्राउंडलेस है तो डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है जी। अगर चार्जेस ग्राउंडलेस नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड है और वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस है तो शैल फ्रेम द चार्ज, फिर चार्ज पढ़ के सुनाएगा, समझा देगा और गिल्टी प्लीड करने को बोलेगा। और अगर तो एक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर दिया, मजिस्ट्रेट के आगे उसने गिल्टी प्लीड कर दिया, तो दो बातें होगी, शैल रिकॉर्ड हिज प्ली एंड मे कन्विक्ट, ओके। फिर अगर डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया है तो क्या होगा, फिर डेट ऑफ पीडब्ल्यू फिक्स, प्रोसिक्यूशन विटनेस डेट फिक्स कर दी जाएगी अंडर 242 क्लॉज, ठीक है जी। और सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, उसके बाद फिर डिफेंस को सुना जाएगा, ओके। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम में से, बेरक में से, ये देखो जी, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ये कब होता है, अगर एक्यूज, चार बातें हैं यहां पर, चार बातें, कौन सी, पहला रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी, दूसरी बात डज नॉट प्लीड गिल्टी, तीसरी बात क्लेम्स टू बी ट्राइड, चौथी बात ही प्लीड्स गिल्टी बट द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट हिम, फिर क्या होगा, ठीक है, तो होगा क्या, मजिस्ट्रेट शैल फिक्स कर देगा डेट ऑफ पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन की एग्जामिनेशन, फिर क्या होगा, पहले ही मजिस्ट्रेट के पास क्या आया हुआ है, उन्हीं विटनेसेस की स्टेटमेंट यानी 161 के बयान, 160 में थाने बुलाती है पुलिस बयानों के लिए, 161 में बयान रिकॉर्ड करती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ओके। और आगे चलते हैं, फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन के अप्लाई करने पर समन इशू कर सकता है किसी भी विटनेस को कि वो पेश हो कोर्ट में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या किसी चीज को प्रोड्यूस करे कोर्ट में, और फिर जो वो डेट मजिस्ट्रेट ने फिक्स की है, ठीक है, वो एविडेंसेस, वो बंदे या वो चीज, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ जाएगी। मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक सच एविडेंस, और मजिस्ट्रेट फिर उनके एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। आगे अब यहां पर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है कि पहले होता है चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर मजिस्ट्रेट होस्टाइल हो जाए तो हो सकता है री एग्जामिनेशन, क्लियर। तो दूसरी बात, मजिस्ट्रेट मे परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड, वो कह सकता है पहले चीफ होने तो बाद में क्रॉस करेंगे, अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, जिसका चीफ होगा साथ उसका क्रॉस एग्जामिन होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो कह सकता है पहले इन दो तीन का चीफ होने तो फिर क्रॉस करेंगे। फिर एविडेंस फॉर डिफेंस, जब भी प्रोसिक्यूशन विटनेस क्लोज होंगे 313 के बयान होंगे, ये बात यहां चाहे नहीं लिखी है लेकिन 313 नंबर सेक्शन में पहले लिख रखा है, जब भी पीडब्ल्यू क्लोज होगा और डीडब्ल्यू अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस से पहले 313 के बयान होंगे। मैं आपसे पूछता हूं 313 के बयान क्या होते हैं, कल मैंने अच्छे से बताया था, और उसका पर्पस क्या होता है मुझे बताएगा करण। करण, सेक्शन 313 में जो एक्यूज्ड की स्टेटमेंट ली जाती है उसका पर्पस क्या होता है, जल्दी बताओ। ओके सर, अब बताओ पर्पस ऑफ 313। सर उसमें 313 में बेसिकली लिखा हुआ है कि द पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड इन एवरी
inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to examine any circumstances appearing in the evidence against him in the court. समझो कि कभी भी कोर्ट चाहे तो किसी भी सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करने को बोल सकती है. समझाओ भाई ये क्या बोल रहे हैं लोग तुम्हारे खिलाफ. किसी भी एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज ऑफ इंक्वायरी या किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पर 313 की एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, क्योंकि 313 की जो स्टेटमेंट होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए होती है. और यहां पर शेल वर्ड हुआ है. शेल वर्ड यूज हुआ कि जब भी विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन को क्लोज करेंगे, दे हैव बीन एग्जामिन्ड, यानी क्लोज हो गया, तो उसके बाद तो 313 का बयान रिकॉर्ड होगा ही होगा. सर वो अपनी प्ली लिखाएगा डिफेंस की, एक्यूज्ड 313 पहले एक्यूज्ड को बोला जाएगा 313 का बयान दे. और अगर अगर वो 313 का बयान जो देता है वो गलत भी देता है तब भी कोई एक्शन नहीं होगा, नहीं देता बयान चुप रहता है तब भी कोई एक्शन उस पर नहीं होगा. ठीक है जी. और आगे जहां पर समन केस है यानी छोटा केस, और कोर्ट ने उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया है, ठीक है जी, तो वो 313 के बयान भी डिस्पेंस कर सकता है. और कभी भी 313 का बयान ओथ पे नहीं होता. ओथ इज नेवर एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड while recording statement under section 313. Is my point clear? Or agar accused, theek hai, mana kar de answer dene se, ya fir false answer de, to accused ko koi saza nahi milegi. Okay? Or jo usne bayan diye hai 313 ke tahat us inquiry ya trial mein, theek hai ji, wo बयान क्योंकि ओथ पे तो है नहीं, ठीक है जी, तो इस कारण से उसके रिपरकशंस क्या होंगे. ओके, द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं किसी और अदर इंक्वायरी में या फिर किसी अदर ट्रायल में. फॉर अदर ऑफेंस विच सच आंसर्स मे टेंड टू शो he has committed, uske bayan uske khilaf ya uske favor mein kisi aur court mein bhi use kiye ja sakte hain. Is my point clear? Chalu main aage, chalo ji aur aage chalte hain. Fir main wapas chalta hu apne main topic par, jo ki hai trial of warrant cases by magistrate on court on police report. Here comes my topic. Ye niche बीच में एक शोर सा आ रहा है तो इस कारण से कृपया शांत रहें, ठीक है, और म्यूट करके रखें. जब क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट करें. हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ, हम यहां तक ये सब कर चुके हैं. एविडेंस फॉर डिफेंस शुरू होगा. ओके, अब एक्यूज्ड को कहा जाएगा टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड गिव एविडेंसेस, प्रोड्यूस द एविडेंसेस. ओके, और अगर accused कोई written statement देना चाहता है तो magistrate को वो लेनी पड़ेगी. shall file it with the record, ठीक है, कि अगर कोई बयान देना चाहता है defense, ठीक है, accused, तो वो दे सकता है. ओके, आगे एक बार जब defense witnesses का काम शुरू हो गया, ठीक है, if the accused after he has entered upon his defense applies to the magistrate टू इश्यू एन प्रोसेस की मैं डैश डैश बंदे को एज विटनेस में बुलाना चाहता हूं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट या किसी चीज को चैप्टर 7 के तहत कोर्ट में मैं मंगवाना चाहता हूं, इसी से शायद मैं अपने आप को बेगुनाह प्रूव कर पाऊंगा, तो मजिस्ट्रेट जो है शेल आईओपी, शेल इश्यू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वो समन या वारंट इशू करेगा एज द केस में भी चैप्टर 6 चैप्टर 7 की पावर्स अपनी यूज करेगा. लेकिन अगर उसको लगे कि ये जो फलाना फलाना को एज विटनेस बुलाने के लिए अर्जी लगा रहा है ये सिर्फ वैक्सेशन के लिए, डिले के लिए और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए कर रहा है, तो ये मना भी कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को एज विटनेस बुलाने के लिए
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस विटनेस, ठीक है, और मगर किस ग्राउंड पे मना किया उस ग्राउंड को इसको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्ड पर लेकर आना पड़ेगा, ओके। और आगे चलते हैं, अब एग्जामिनेशन चीफ के बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अगर एक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन या फिर उसको मौका मिला था क्रॉस एग्जामिन का पर उसने फिर भी किया नहीं किसी मजिस्ट्रेट को, तो अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. अगर magistrate को लगे कि उस बंदे को दोबारा बुलाना जरूरी है, एक बार क्रॉस हो गया या फिर एक बार क्रॉस का मौका दिया पर क्रॉस किया नहीं था डिफेंस ने, पर अब उसका क्रॉस होना ends of justice जरूरी है तो बुलाया जाएगा, otherwise he will not be compelled. यहां तक समझ में आ गया जी? और कुछ किसी ने पूछना है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक एक लाइन बेरट की समझा रहा हूँ, डायग्राम पर एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, और मैं इसका स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है जी। और जो मैं लिख रहा हूँ ये सारा कंटेंट भी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर। और आगे चलते हैं, अब हम ये देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू आई कैन प्रोड्यूस माई पेमेंट नाउ, अब क्या होना है ये देखिए। अब जिसको एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है, आने जाने का खर्चा, उसकी जो दिहाड़ी टूटती है उसका भी खर्चा, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, वो भी उसको रीपे करने के प्रावधान है। तो मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2 require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. तो उसके यहाँ आके बयान देने में जितना खर्चा वगैरह होगा, जितना उसको नुकसान होगा, उसको पहले दूसरी पार्टी जमा कराएगी कोर्ट में, कोर्ट चाहे तो ऐसे आंसर ऐसे बोल सकती है। यहाँ देखिए, examination, cross examination of PW के बाद 313 के बयान है, ये है लिखा 313, और 313 के बयान नॉट ऑन ओथ होंगे, और फिर डिफेंस विटनेस आएगा, फिर डिसाइड करेगा बंदा गिल्टी है या नॉट गिल्टी, गिल्टी है तो कन्विक्शन, नॉट गिल्टी है तो एक्विटल, ओके। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा नोट्स के थ्रू, ये देखो इसमें होगा क्या, कल हमने किया था ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, वो भी 5 मिनट लगा के मैं रिपीट करा दूंगा। मैं 3 चीजें रेफर करता होता हूं, या फिर कह लो 4 चीजें। सबसे पहले डायरेक्ट, फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिखता हूं वो, तीसरी चीज जो मेरे खुद के नोट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखता हूं, ये वाली चीज, और फिर है हर चैप्टर का एक डायग्राम। डायग्राम्स बच्चे भूलते नहीं है, और मैं डायग्राम आप सबको अवेलेबल कराऊंगा, हालांकि ये सब डायग्राम आप देख चुके हैं मेरे लेक्चर्स में भी, पर फिर भी मैं इसको अलग से आपको बनवा दूंगा। देख रहे हैं जी, काफी लंबा टॉपिक था कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, ये देखिए यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। और यहां पे ये भी टॉपिक दिया हुआ है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या फर्क है, ओके। तो पेज नंबर 21 पे दिया है हमने अपने नोट्स में। ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, इस पेज से शुरू हो गया ये टॉपिक, 24 नंबर पेज से। सबसे पहले इतने ट्रायल प्रोसेस की जरूरत क्या है, क्योंकि छोटे मोटे केस में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, और लेसर इलेबोरेट होना चाहिए छोटे केस में, मोर इलेबोरेट प्रोसीजर होना चाहिए
बड़े केसेस में जहां पनिशमेंट ज्यादा हो, बिकॉज यू कैन नॉट अनडू द रॉन्ग लॉस सफर्ड बाय द एक्यूज्ड, देन सबसे पहले मजिस्ट्रेट अपने आप को कन्विंस करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 207, ये बात लिखी है 238 में, ठीक है। और अगर उसे लगता है कोई ग्राउंड्स नहीं बनते, ठीक है, जब वो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट को देख लिया, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, एग्जामिन कर लिया एक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, एक्यूज्ड को सुन लिया और लगता है कि जो चार्जेस हैं सब वो ग्राउंडलेस है, तो उसको क्या कर देगा, मस्ट डिस्चार्ज एंड मस्ट रिकॉर्ड रीजंस, ओके। और ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बेस्ड ऑन एरर ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट प्रॉपर एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड, ठीक है। प्रॉपरली आपको दोनों पार्टियों को भी सुनना होगा और 173 की रिपोर्ट देखनी है और बाकी डॉक्यूमेंट देखने होंगे, ओके। और मैं साथ में केसेस आपको बताए जा रहा हूँ, ओके। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई केस नहीं बनता एक्यूज के खिलाफ और वो उसको डिस्चार्ज कर देता है, तो मजिस्ट्रेट डज नॉट बिकम फंक्टस ऑफिशियो इफ इन प्रोसीडिंग विद द केस अगेंस्ट अदर्स ही फाइंड्स दैट देयर इज प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड हू ही हैज डिस्चार्ज्ड, वो फिर से भी उसको नामजद कर सकता है, ठीक है। और जॉइंटर ऑफ पार्टीज के तहत जिसको एक बार डिस्चार्ज किया, दोबारा क्या उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, उसको दोबारा उसका नाम केस में आ सकता है, यस, ओके। यहाँ पर साफ ये बात लिखा है कि अगर डिस्चार्ज एक बार कर दिया तो क्या दोबारा उसको केस में घसीटा जा सकता है, उस आदमी को आंसर इज यस, ओके। नेक्स्ट, सारे मटेरियल्स को देखने के बाद, ठीक है, ही हैज बीन मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कि अगर वो लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो सक्सेसर जज था उसने ऑर्डर क्या पास कर दिया, डिस्चार्ज का, ओके। तो अगर पहले डिस्चार्ज किया नहीं, बाद में को डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। फ्रेश मटेरियल वाज फाउंड टू प्रोसीड, लेकिन केस चालू हो जाने के बाद में फ्रेश मटेरियल को सामने नए तथ्य सामने आए जिसकी वजह से डिस्चार्ज बनता है, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, जब भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे रेड ओवर एंड एक्सप्लेन होगा, ठीक है। सर मेरी एक क्वेरी थी इसमें, सर क्वेश्चन पूछिए। सर डिस्चार्ज कर दिया जैसे, हाँ, तो सर उसके बाद फिर दोबारा कैसे केस कैसे रीओपन होगा दोबारा? केस तो चल ही रहा है, 5 बंदों के खिलाफ केस चल रहा था, उसमें से 2 को कर दिया डिस्चार्ज, ए और बी को कर दिया, सी डी ई पे भी केस चल रहा है, ठीक है। क्या ए का नाम दोबारा से डाला जा सकता है? यस, इसे हम कहते हैं जॉइंटर ऑफ पार्टीज, जॉइंटर ऑफ एक्यूज्ड, जो 223-224 जॉइंटर के बारे में है। और पूछिए सर, इन केस उसका दोबारा नाम आया है तो वो अपील के थ्रू भी आ सकता है? अपील तो तब होगी ना जब पहला केस डिसाइड हो जाएगा, तो उसके खिलाफ अपील जाएगी। yes, ये तो इंटरलॉकेटरी जो ऑर्डर्स, जो बीच के ऑर्डर्स होते हैं ना, इनके खिलाफ क्या लाई करती है, रिवीजन। जहां अपील नहीं लाई करती वहां रिवीजन लाई करते हैं, सीधी सी बात है, समझ में आता है। अगर डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज के खिलाफ आप क्या करोगे, रिवीजन लगाओगे, तो ओके। सर डिस्चार्ज अगर एक अक्यूज्ड है, सर फॉर एग्जाम्पल अगर एक अक्यूज्ड है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने, सो फिर दोबारा सर चार्जेस फ्रेम करने हो तो फिर कैसे कर सकते हैं सर? आपको दोबारा से एप्लीकेशन लगानी होगी, रिवीजन में जाओगी, जाएगी दूसरी पार्टी, दोबारा से केस को चालू किया, बंद कर दिया गया, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। कोर्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली फ्रेम द चार्ज मियरली बिकॉज द प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज कंसीडर्ड प्रॉपर टू इंस्ट्रक्ट द केस, ठीक है जी। हमेशा बड़ी कोर्ट से ऑर्डर फिर होता है, फिर उससे पूछते हैं, क्या उस बंदे से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, और अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो उसको रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, मगर कन्विक्शन में मे है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि कन्विक्शन करेगा ही करेगा मजिस्ट्रेट, जब भी प्लीड गिल्टी करे या मान रहे हाँ मेरा मैंने अपराध किया है, ठीक है जी। मजिस्ट्रेट मे प्रोसीड विद द ट्रायल, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होंगे,
पहले किसके एड्रेस रिकॉर्ड होंगे, हमेशा प्रोसिक्यूशन के पहले होते हैं। डेट फिक्स की जाएगी, ठीक है जी, दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को पहले ही 161 के बयान की कॉपी दे दी जाती है, वो तभी दे दी जाती है जब 207 की कंप्लायंस होती है, बस इंश्योर करता है कि अब जिन लोगों के बयान होंगे उन्होंने पहले पुलिस को क्या बयान दिया था उसका एक्यूज को पहले से पता होना चाहिए ताकि अब वो सुने और अच्छा क्रॉस कर सके। ओके, और आगे चलते हैं, ये वाला प्रोविजो 2008 के अमेंडमेंट एक्ट में आया था, और आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोसिक्यूशन के कहने पर नए विटनेसेस को जिनका नाम पीडब्ल्यू की लिस्ट में नहीं था, जब भी चलान पेश करती है प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस, तो साथ ही साथ पेश किया जाता है क्या, लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। क्या उस लिस्ट से बाहर भी किसी को एज विटनेस बुलाने की एक अलग से एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, आंसर इज यस, और वो एडमिट हो सकती है। और आगे चलते हैं, कोर्ट इसी पावर को सुओ मोटो भी एक्सरसाइज कर सकती है कि जिसको दिल करे उसको कोर्ट में बुला लिया, 311 में कोर्ट विटनेसेस आते हैं, ठीक है जी, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के कहने पर नहीं बल्कि कोर्ट अपना दिमाग लगा के जिसको वो कोर्ट में एज अ विटनेस बुलाना चाहती है बुला सकती है, जब उन्हें लगे, जब कोर्ट को लगे। ये मंगीलाल केस है, मंगीलाल केस में क्या कहा कि जब कोर्ट को लगे कि प्रोसिक्यूशन तो नेग्लिजेंट है, ठीक है, गिल्टी ऑफ लेची यानी ढीली है, या फिर जानबूझकर अपनी पावर का यूज नहीं कर रही है, जिनको एज विटनेस बुलाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया गया है, तो उनको कोर्ट एज विटनेस सुओ मोटो बुला सकती है, मंगीलाल केस। और आगे चलते हैं, फिर उन सबका होगा क्या, एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ, ये किसके तहत होता है, सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर भी किया जा सकता है, साथ ही साथ भी करवाया जा सकता है, ओके, और मजिस्ट्रेट चाहे तो वो मना कर सकता है, रिफ्यूज टू एग्जामिन अदर विटनेसेस, ठीक है, After examining some of them on the ground that their evidence cannot improve matters and order acquittal, ठीक है जी, तो जहां पे लगे जरूरत नहीं है तो मना भी कर सकता है। और आगे चलते हैं, evidence for defense, फिर defense witnesses आएंगे, और accused चाहे तो written statement भी दे सकता है, okay? और if the accused applies, accused कहता है कि लिस्ट से बाहर भी किसी को बुलाना है तो बुलाया जा सकता है, ये डिफेंस डब्ल्यू की भी लिस्ट बनती है, ओके? लेकिन अगर अगर मजिस्ट्रेट को लगे ये सिर्फ डिले करने के लिए कर रहा है ये काम, तो मना भी कर सकता है, नहीं बाहर वाले किसी को नहीं बुलाया जाएगा, रीजंस लेकिन रिकॉर्ड करने होंगे। और The accused had prior to entering upon his defense either cross-examined already or had the opportunity of cross-examination. Cross-examination या तो कर चुका है या उसको पूरा मौका मिला था, ये भी ensure करेगा magistrate. Okay? और इसको record पर लेके आता है magistrate. ठीक है जी, magistrate नए गवाह को बुलाने के लिए necessary expenses भी pay करने को बोल सकता है, बस देखिएगा कि ये कि एक्यूज के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ओके? यहाँ पर ये टॉपिक आज का फिनिश, ओके? आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर हियर।